गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अनिल के शर्मा। वेलकम टू ओरेकल टेक इंडिया। और आज का मेरा वीडियो लेक्चर फंक्शनल डिपेंडेंसी में फोर्थ वीडियो लेक्चर है। तो आज फंक्शनल डिपेंडेंसी में डीकम्पोजिशन के बारे में समझेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि लॉसी डीकम्पोजिशन क्या है और लॉसलेस डीकम्पोजिशन को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। डीकम्पोजिशन, तो डीकम्पोजिशन जो है वो क्या है समझते हैं। तो उससे पहले समझते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्या काम है, और डीकम्पोजिशन फंक्शनल डिपेंडेंसी का ही पार्ट है। तो इफ फंक्शनल डिपेंडेंसी इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द रिलेशन स्कीमा इनटू फाइनर एंड फाइनर लेवल्स ऑफ डिटेल्स इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिडंडेंसीज। तो एक फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है? एक फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो रिलेशन स्कीमा को ब्रेकिंग डाउन करने का प्रोसेस है। तो रिलेशन स्कीमा का क्या मतलब है? रिलेशन स्कीमा का मतलब जैसे कि टेबल, डेटाबेस में जो टेबल है, मतलब कंपनी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो टेबल्स में स्टोर होती है। तो एक टेबल को हम रिलेशन स्कीमा बोल सकते हैं। टेबल का मतलब टेबल का नाम जिसमें डिफाइन होता है, जिसमें कॉलम्स नेम डिफाइन होते हैं, जिसमें कॉन्स्टेंट्स वगैरह, प्राइमरी की, फॉरेन की, नोटनल कॉन्स्टेंट्स, यूनिक कॉन्स्टेंट्स, ये सारी चीज़ें जिस चीज़ में डिफाइन होती है उसको रिलेशन स्कीमा बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक टेबल्स में डिफाइन होती है, तो एक तरीके से टेबल्स को हम रिलेशन स्कीमा बोल सकते हैं। तो टेबल्स या रिलेशन स्कीमा को ब्रेकिंग डाउन करने का जो प्रोसेस है उसको फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलते हैं। और किस चीज़ में ब्रेकिंग डाउन करना है? तो ब्रेकिंग डाउन करना है मतलब रिलेशन स्कीमा या टेबल्स को ब्रेकिंग डाउन करना है, रिलेशन स्कीमा को तोड़ना है, किसमें? इनटू फाइनर एंड फाइनर लेबल्स ऑफ डिटेल्स। फाइनर और फाइनर लेबल्स ऑफ डिटेल्स में किसी टेबल को तोड़ने का जो प्रोसेस है उसी को फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलते हैं। तो एक टेबल को, एक रिलेशन स्कीमा को फाइनर एंड फाइनर लेबल्स ऑफ डिटेल्स में उसको क्यों ब्रेक किया जाता है, क्यों तोड़ा जाता है? इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिडंडेंसीज, ताकि उस टेबल में रिडंडेंसी ना आ जाए, मतलब डुप्लीकेट डेटा ना आ जाए। तो डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए, डुप्लीकेट डेटा को उस टेबल में अवॉइड करने के लिए किसी भी रिलेशन स्कीमा या किसी भी टेबल्स को फाइनर एंड फाइनर लेबल्स ऑफ डिटेल्स में ब्रेकिंग डाउन करने का जो प्रोसेस है उसी को फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। उसके बाद अब समझते हैं डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन जो कि फंक्शनल डिपेंडेंसी का ही एक पार्ट है, तो डीकम्पोजिशन क्या करता है? हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग सम ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ बैड डिज़ाइन। तो डेटाबेस की जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो डेटाबेस की डिज़ाइनिंग करते समय कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो उस प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने के लिए, दूर करने के लिए हम डीकम्पोजिशन के रूल्स को फॉलो करते हैं। तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है जब हम डेटाबेस की डिज़ाइनिंग करते हैं? तो जैसे रिडंडेंसी प्रॉब्लम। तो डेटाबेस की डिज़ाइनिंग जब करते हैं, कोई टेबल्स वगैरह में डेटा को डालते हैं, तो डेटा का डुप्लीकेट डेटा वहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो डुप्लीकेशन को एलिमिनेट करता है डीकम्पोजिशन, इनकंसिस्टेंसी को एलिमिनेट करता है डीकम्पोजिशन। इनकंसिस्टेंसी का मतलब कि डेटाबेस में जिस तरह से डेटा पड़ा हुआ है, अगर कोई यूज़र अपने डिपार्टमेंट से किसी भी अपने डिपार्टमेंट से डेटाबेस एप्लीकेशन से अगर कोई इन्फॉर्मेशन फेच कर रहा है, तो जिस स्टेट में, जिस पोजीशन में डेटा डेटाबेस में पड़ा हुआ है, बिल्कुल उसी पोजीशन में डेटा उठ करके जो है यूज़र के पास आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो एम्प्लॉई आईडी और एम्प्लॉई नेम के इन्फॉर्मेशन को फेच कर रहा है और एम्प्लॉई नेम की जगह पे जो है एम्प्लॉई की सैलरी उठ करके आ रही है।
तो अगर ऐसे उठ करके आ रही है तो इसका मतलब वो डेटा इनकंसिस्टेंट है, तो इनकंसिस्टेंसी की वो प्रॉब्लम है। तो डिकम्पोजिशन क्या करता है, इनकंसिस्टेंसी के प्रॉब्लम्स को भी ये रिमूव करता है। डिकम्पोजिशन एनोमेलीज के प्रॉब्लम को भी ये रिमूव करता है। तो एनोमेलीज क्या होती है, जैसे कि किसी भी टेबल में अगर हम कोई डेटा इंसर्ट करते हैं तो डेटा को इंसर्ट करते समय टेबल्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ एरर आ जाती है, करते हैं कुछ और इंसर्ट, उसकी उसके साथ टेबल में कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उसको इंसर्ट एनोमलीज बोलते हैं। उसी तरीके से टेबल में किसी रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आती है, तो उसको डिलीशन एनोमेलीज बोलते हैं। उसी तरीके से किसी टेबल में अगर कोई रिकॉर्ड अपडेट करते हैं तो अपडेट करने में भी प्रॉब्लम आती है, तो उसको अपडेट एनोमेलीज बोलते हैं। तो एनोमेलीज यहाँ पे मतलब है एक तरीके से प्रॉब्लम, वो ऑपरेशन परफॉर्म करते समय प्रॉब्लम आ जाते हैं। इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, और जो है अपडेट अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, तो उसको एनोमलीज बोलते हैं। तो डिकम्पोजिशन क्या करता है, रिडंडेंसी को एलिमिनेट करता है, इनकंसिस्टेंसी को एलिमिनेट करता है और एनोमलीज को एलिमिनेट करता है। तो डिकम्पोजिशन को करने के लिए वी रिक्वायर द डेटाबेस डिजाइनर टू डिकम्पोज एन इनिशियल सेट ऑफ रिलेशन स्कीमा। तो रिलेशन स्कीमा के इनिशियल सेट को, मतलब स्टार्टिंग में जब हम डेटाबेस को तैयार करते हैं तो अलग अलग टेबल्स वगैरह क्रिएट करते हैं, उसके बाद टेबल को टेबल के साथ प्राइमरी की फॉरेन की वगैरह के साथ सबको रिलेट करते हैं, तो इनिशियल सेट ऑफ रिलेशन स्कीमा इसी को बोला गया है। तो स्टार्टिंग में जो टेबल्स वगैरह बनाई जाती है तो जब उस समय हम डिकम्पोज करते हैं इन्फॉर्मेशन को, फाइनर एंड फाइनर लेवल्स ऑफ डिटेल्स में जब हम उसको डिकम्पोज करते हैं, तो डिकम्पोज करने के लिए हमें एक सीनियर डेटाबेस डिजाइनर की जरूरत पड़ती है, एक डेटाबेस आर्किटेक्ट इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। तो जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं, जब डिकम्पोज करते हैं किसी भी डेटाबेस को, टेबल्स वगैरह को, तो डिकम्पोजिशन कभी भी लॉसी डिकम्पोजिशन नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यही फोकस करेंगे कि लॉसी डिकम्पोजिशन क्या है। तो डिकम्पोजिशन कभी भी लॉसी नहीं होना चाहिए, अगर लॉसी होगा तो कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगी। तो डिकम्पोजिशन शुड ऑलवेज बी लॉसलेस, तो डिकम्पोजिशन लॉसी नहीं होना चाहिए, डिकम्पोजिशन हमेशा लॉसलेस होना चाहिए, जो कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पूरा समझेंगे कि लॉसलेस डिकम्पोजिशन क्या है। तो लॉसलेस डिकम्पोजिशन एंश्योर्स दैट, तो लॉसलेस डिकम्पोजिशन क्या करता है, वो एंश्योर करता है, निश्चित करता है कि इन्फॉर्मेशन इन द ओरिजिनल रिलेशन स्कीमा, ओरिजिनल रिलेशन स्कीमा में जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को कैन बी एक्यूरेटली रिकंस्ट्रक्टेड। तो उस इन्फॉर्मेशन को एक्यूरेटली रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, पुनर्निर्माण कर सकते हैं बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड इन द डिकम्पोज्ड रिलेशन। किसके आधार पे, वो इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन डिकम्पोज्ड रिलेशन में पड़ी हुई है, उस डिकम्पोज रिलेशन में पड़ी हुई इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, आधार पे, ओरिजिनल रिलेशन स्कीमा में, ओरिजिनल टेबल में हम इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली क्या कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन, तो इस स्लाइड में डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल को देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक रिलेशन है, एक टेबल है, तो टेबल को इंडिकेट किया है आर से, आर मतलब रिलेशन मतलब टेबल, और इस टेबल में तीन टपल्स है, तीन कॉलम्स है, एक्स वाई और जेड। तो इस टेबल के लिए, इस रिलेशन के लिए हम जो है, देयर कैन बी टू सबसेट्स, हम जो है इसको डीकम्पोज करके, इस रिलेशन को डीकम्पोज करके हम दो टेबल्स, दो रिलेशन को क्रिएट कर सकते हैं।
तो R1 ये एक टेबल है और इसमें मैंने दो कॉलम्स के नाम दे दिए हैं X और Y। उसके बाद एक दूसरा टेबल क्रिएट कर दिया मैंने ऊपर वाले टेबल से R2, और इसमें मैंने दो कॉलम्स डाल दिए Y और Z। तो इस तरीके से ऊपर वाले टेबल को डीकम्पोज करके मैंने दो अलग अलग टेबल्स को बना दिया। अब जो है इफ वी यूनियन R1 एंड R2, अब जो है मैं रिलेशन 1 और रिलेशन 2 या फिर टेबल 1 और टेबल 2 को यूनियन करता हूँ तो वी गेट R। तो हम जो है ओरिजिनल रिलेशन को पा लेंगे अगर यूनियन करते हैं तो यहाँ पे अगर यूनियन करना है तो रिलेशन इक्वल टू R1 यूनियन R2। R1 आपका टेबल 1 है जिसमें दो टपल्स है, दो कॉलम्स है X और Y, बीच में यूनियन का साइन है। उसके बाद R2 ये दूसरा आपके पास टेबल है और जिसमें कॉलम्स है, टपल्स है Y और Z। तो इसका जब हमने यूनियन किया तो यूनियन का मतलब है, यूनियन मीन्स रिमूव डुप्लीकेट कॉलम। ये डुप्लीकेट कॉलम को रिमूव कर देगा और यूनिक रिजल्ट को शो करेगा, मतलब ओरिजिनल रिलेशन को ये ओरिजिनल रिलेशन को ये जो है रिटर्न करेगा। लॉसी डीकम्पोजिशन, तो इस स्लाइड में समझते हैं कि लॉसी डीकम्पोजिशन क्या है। तो लॉसी डीकम्पोजिशन जो है इट इज द डिसएडवांटेज ऑफ डीकम्पोजिशन। ये डीकम्पोजिशन का एक डिसएडवांटेज है और इसमें क्या करते हैं, वी डीकम्पोज ए रिलेशनल स्कीमा। तो हम एक रिलेशनल स्कीमा या फिर हम कह सकते हैं कि एक टेबल को डीकम्पोज करते हैं, मतलब एक टेबल को तोड़ करके डीकम्पोज करके दो या तीन टेबल्स बना लेते हैं। और तीन टेबल्स बनाने के बाद, मतलब टेबल को डीकम्पोज करने के बाद क्या होता है, सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट। तो कुछ इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है ड्यूरिंग रिट्रीवल ऑफ ओरिजिनल रिलेशन और टेबल। जब उस डीकम्पोज टेबल को जब ओरिजिनल रिलेशन या ओरिजिनल टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है। तो नीचे के एग्जाम्पल में हम यही समझेंगे कि लॉसी डीकम्पोजिशन में इंफॉर्मेशन कैसे लॉस्ट हो जाती है। तो हमारे पास जो है लेट देयर बी ए रिलेशनल स्कीमा, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिलेशनल स्कीमा है, एक टेबल है और उस टेबल में जो है तीन कॉलम्स है, तीन एट्रीब्यूट्स है ए बी और सी। अब मैं इस रिलेशन को क्या करूंगा, डीकम्पोज करूंगा, मतलब इस रिलेशन को तोड़ करके दो कॉलम्स मतलब दो टेबल्स क्रिएट करूंगा। तो रिलेशन 1 यानी कि टेबल 1, इसमें मैंने दो कॉलम्स डाल दिए हैं ए और बी, और एक रिलेशन 2 मतलब दूसरा टेबल मैंने बनाया है और उसमें मैंने बी और सी ये दोनों कॉलम्स डाल दिए हैं। तो मैंने जो है रिलेशनल स्कीमा को डीकम्पोज करके मैंने R1 और R2 नाम से दो रिलेशन या दो टेबल्स मैंने डिकम्पोज कर दिए, बना दिए। अब देखते हैं कि इसमें इंफॉर्मेशन कैसे लॉस्ट हो जाती है। तो ये आपका ओरिजिनल रिलेशन है जिसमें ए आपका क्या है, एट्रीब्यूट नेम है, कॉलम नेम है, बी आपका एट्रीब्यूट नेम है, कॉलम नेम है, सी आपका एट्रीब्यूट नेम है, कॉलम नेम है, और ये सारे इंफॉर्मेशन है A1, A3, A2, A4। ये कॉलम ए की इंफॉर्मेशन है, कॉलम बी की इंफॉर्मेशन B1, B1, B2, B2, और कॉलम सी की इंफॉर्मेशन C1, C2, C3, C4। अब मैं इस ओरिजिनल रिलेशन को, ओरिजिनल टेबल को डीकम्पोज करके मैंने क्या किया है, दो अलग अलग रिलेशन मैंने बना दिए R1, और इसमें मैंने दो कॉलम्स लिए हैं ए और बी, और इन्फॉर्मेशन ए और बी कॉलम की इन्फॉर्मेशन पिछले वाले रिलेशन से उठा करके मैंने यहाँ पे डाल दिया, A1, A3, A2, A4, और बी का B1, B1, B2 और B2। उसके बाद फिर मैंने दूसरा टेबल बनाया, यहाँ पे दूसरा रिलेशन बनाया मैंने, और जिसमें बी और सी
ओरिजिनल रिलेशन से बी और सी वाले कॉलम्स को मैंने यहाँ पे ले लिया। अब बी की सारी इन्फॉर्मेशन, ओरिजिनल रिलेशन वाले इन्फॉर्मेशन को मैंने यहाँ पे डाल दिया। B1, B2, B2, यहाँ भी B1, B2, B2 है। उसके बाद सी वाले कॉलम में C1, C2, C3, C4, ओरिजिनल वाले रिलेशन में भी C1, C2, C3, C4 मैंने यहाँ पे ले लिया। इस तरीके से डीकम्पोज करके मैंने रिलेशन 1 और रिलेशन 2 बना लिया, टेबल 1 और टेबल 2 बना लिया। अब इन दोनों टेबल के ऊपर जब मैं नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करूँगा तो मेरे पास ओरिजिनल रिलेशन आना चाहिए। बट यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन आया है उसमें जो इन्फॉर्मेशन आई है वो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को शो कर रहा है, एक्स्ट्रा टपल्स को शो कर रहा है, एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स को शो कर रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि आपका जो है कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो गई है, कुछ इन्फॉर्मेशन बार बार रिपीट हो करके आ रही है, मतलब इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो गई है। तो नेचुरल ज्वाइन क्या होता है, जब हम एसक्यूएल का मॉड्यूल आगे पढ़ेंगे तो मैं वहीं पे आपको प्रैक्टिकली एसक्यूएल कमांड प्रॉम्प्ट पे नेचुरल ज्वाइन को परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल आप ये समझिए कि लॉसी डिकम्पोजिशन में एक रिलेशन को डिकम्पोज करके दो अलग अलग टेबल्स को बना लिए जाते हैं और उन दोनों टेबल्स के ऊपर नेचुरल ज्वाइन को परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास ओरिजिनल रिलेशन या ओरिजिनल टेबल आना चाहिए, बट ओरिजिनल टेबल या ओरिजिनल रिलेशन नहीं आता, उसमें कुछ एक्स्ट्रा टपल्स आ जाती है जो इंडिकेट करता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो गई है और जो है आपके जो है रिलेशन में उस टेबल में कुछ डुप्लीकेट डेटा आ गया है। तो यहाँ पर है, आफ्टर नेचुरल ज्वाइनिंग वी गेट एक्स्ट्रा टपल्स, दस देर इज ए लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी का मेरा ये फोर्थ वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लॉसलेस डिकम्पोजिशन को समझेंगे, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी का ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।